हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेडी बियर। आज मैं आपके लिए लेकर वर्कशीट आई हूँ, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में लेकर आई हूँ। और ये वर्कशीट किसी भी क्लास के लिए कन्फाइंड नहीं है। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, तो ये जो मैंने सारी यहाँ पर वर्कशीट्स लगाई हैं वो उन टॉपिक्स की लगाई हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना। और ये रीयूजबल है, आप उनको बहुत बार भी इनको रीयूज करवा सकते हैं। मॉम्स, यहाँ पर मेरा पहली वर्कशीट के अंदर कॉन्सेप्ट है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कभी हम बच्चे को कोई सामान बोलते हैं कि इसका साइज कैसा है, मीडियम साइज है कि लार्ज साइज है, तो बच्चा मीडियम और लार्ज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो इसके अंदर यहाँ पर कॉन्सेप्ट कराया है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में पिक्चर करवाया है, ये एक फ्रॉक का पिक्चर है, यहाँ स्मॉल, मीडियम साइज एंड लार्जेस्ट। तो यहाँ बच्चा इनको डिस्टिंग्विश करेगा पिक्चर्स को। इसी तरह से नंबर्स हैं कि आपने इतना स्मॉल नंबर क्यों लिखा है, तो अब यहाँ पर स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, अब ये नंबर्स आ गए। ऐसे यहाँ पर अल्फाबेट के साइज आ गए और यहाँ पर स्वर जो होते हैं उनके साइज आ गए। तो ये बच्चे को कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, और प्लस ये कॉन्सेप्ट आप हर बार अपने बच्चे को कराएं ताकि वो इसको कभी भी नहीं भूले। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, ये कई बार प्री मैथ्स में भी आता है, मैथ्स फैट और थिन का। तो अब यहाँ पर फैट और थिन ऑब्जेक्ट्स हैं कि कौन से हैं जो थिन है और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो फैट है। अब यहाँ पर आप बच्चे को, अगर वो वर्ड की स्टेज पे हैं, तो फैट और थिन के लिखने के स्पेलिंग्स आते हैं, आप लिखने के लिए दीजिए। नहीं तो आप सिंपली फैट के लिए एफ और थिन के लिए टी लिखवाइए। अगर बच्चा लिख सकता है तो आप जरूर लिखाइए, एफ ए टी फैट, टी एच आई एन थिन, यानी मोटा और पतला। जब ये कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चों को करवाते हैं तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जरूर करवाएं, सर्कल द राइट लेटर। आप इस वर्कशीट को अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट लिया है कैपिटल और स्मॉल का, लेकिन आप इसको चेंज करके अपने बच्चे के करिकुलम के अकॉर्डिंग लीजिए। जैसे अब यहाँ पर पिक्चर आइडेंटिफाई करना है और अब उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं, तो ये नहीं पता चलेगा कि ये लेटर्स कौन से हैं। अब यहाँ पर डी लेटर है, ये डी स्मॉल है, यहाँ पर डी स्मॉल है, बच्चे ने सिंपली इसको सर्कल करना है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे टी ओ सी ए एफ, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आ गए। उसके बाद है इनसाइड एंड आउटसाइड का वर्कशीट। तो अब यहाँ पर पीस इनसाइड है मतलब अंदर है, यहाँ पर आउटसाइड है मतलब इस ये जो पीस का है यहाँ पर इसमें से बाहर आ गए हैं, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, बेबीज यहाँ पर कहाँ हैं, नेस्ट के अंदर हैं, तो ये इनसाइड का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ भी आप बच्चे को फर्स्ट बी दे सकते हैं यहाँ पर आई लिखने के लिए और आउटसाइड के लिए ओ लिखने के लिए, और अगर आपका बच्चा वर्ड स्टेज के ऊपर है तो वर्ड्स लिखने के लिए दीजिए। तो इस तरह से ये वर्कशीट आप पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन भी करेंगे और करवाएंगे। फिर है सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉन्सेप्ट, जैसे जेली इज वेरी सॉफ्ट, अगर आपने बच्चे को खिलाया तो वो आसानी से बोलेगा मामा जेली इज वेरी सॉफ्ट, एंड ब्रिक जेली के कंपैरिजन में ब्रिक ईंट बहुत सख्त है, तो वो हार्ड का कॉन्सेप्ट हुआ। इसी तरह से कॉटन इज वेरी सॉफ्ट, आइस क्यूब इज हार्ड, तो यहाँ बच्चे को सॉफ्ट और हार्ड का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। फिर बच्चा खुद भी बोल सकता है, जब भी आप उसको कोई भी चीज देंगे तो बोलेगा मामा दिस इज वेरी सॉफ्ट या दिस इज वेरी हार्ड। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डल एंड ब्राइट, ये जब हम बच्चे को पिक्चर रीडिंग कराते हैं तो वहां पर वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, तो अब हम करवाते हैं डल और ब्राइट का कॉन्सेप्ट। सन, सन यहाँ पर कैसा दिख रहा है, डल और ब्राइट, तो यहाँ पर आएगा ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, और यहाँ पर मून कैसा दिख रहा है, डल। उसके बाद फ्लावर कैसा दिख रहा है, ब्राइट, क्योंकि वो रेड कलर का है, और ये वाला फ्लावर कैसे दिख रहा है, डल, क्यों, क्योंकि वो लाइट कलर का है, येलो कलर का। यहाँ पर शॉर्ट और शॉर्ट्स में से, यहाँ बॉल्स में से, तो इसका कलर जो है वो बहुत ब्राइट है, तो ये ब्राइट है और इसका कलर डल। इस तरह से ब्राइट और डल का कॉन्सेप्ट करवाएं बच्चे को। उसके बाद टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट आता है कि कौन टॉल है और कौन सा पिक्चर जो है वो शॉर्ट है, तो ये पिक्चर टॉल है और ये पिक्चर शॉर्ट है। आप टिक एंड क्रॉस पे करवा सकते हैं कि जैसे टॉल टिक एंड शॉर्ट क्रॉस, तो यहाँ पर टॉल टिक और शॉर्ट क्रॉस, इस तरह से आप अपने बच्चे को करवाइए। अप एंड डाउन,
अब यहाँ पर बोन है और यहाँ पर डॉग है, तो ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है कि डॉग अप एंड हेयर डाउन, ये इनकी प्लेसमेंट बता रहा है। दिस एरोप्लेन अप अपसाइड एंड दिस एरोप्लेन डाउन, इस तरह से दिस चाइल्ड डाउन एंड दिस चाइल्ड इज अप, यूपी अप। और ये सब मैंने शीट प्रोटेक्टर में डाली है मॉम्स, तो आप जरूर इनको डालना कि ताकि ये इरेज हो जाए और आप दोबारा अपने बच्चे को फन लर्निंग के लिए इसको दे पाए। हैवी एंड लाइट, अब यहाँ पर लीफ है, लीफ इज लाइट और हैवी, क्या आएगा तो यहाँ पर बच्चा बताएगा इट इज लाइट। एंड पेन, पेन इज ऑल्सो लाइट बट यहाँ पर हम हैवी कराएंगे लीफ के कंपैरिजन में। यहाँ पर वाटरमेलन एंड बॉल, सो विच इज हैवी एंड विच इज लाइट, यहाँ पर अम्ब्रेला एंड बॉक्स। अम्ब्रेला इज लाइट एंड बॉक्स इज हैवी इन कंपैरिजन टू अम्ब्रेला। अब हम कॉन्सेप्ट करेंगे नियर एंड फार का, यहाँ पर हम बी को देखेंगे ध्यान से और यहाँ भी हम देखेंगे, तो यहाँ हमारे पास दोनों पिक्चर्स में फ्लावर है और एक बी है। अब यहाँ पर बी फार है, फ्लावर से दूर है, और यहाँ पर नियर है, यहाँ पर प्लेट इसके नियर है कप के, और यहाँ फार है, तो इस तरह से आप अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट करवाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों को कराने के लिए, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चे को करवाएंगे तो उसको वोकैबुलरी बहुत एनहांस होगा, और ये कॉन्सेप्ट उसको हर बार वो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करेगा तो तब ये कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। तो आई जस्ट फील मॉम्स की यू लाइक्ड माय चैनल एंड देयर आर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आप देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखें आप और कौन से टॉपिक्स हैं जो अपने बच्चे के लिए वीडियो पे देखना चाहते हैं। एंड टिल देन जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।